नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और पिछले लोकसभा चुनाव की तर्ज पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने अन्य सीटों के साथ साथ फूलपुर विधानसभा सीट की भी मांग की है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी है कि वो कांग्रेस को अधिक से अधिक 2 सीटें ही दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक खबर ये भी आ रही है कि पल्लवी पटेल के पति, पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की प्रमुख हैं, उनके पति पंकज पटेल कांग्रेस के टिकट पर फूलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। पंकज पटेल पहले भी कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तब उनकी हार हुई थी चुनाव में। लेकिन सिर्फ इसी वजह से उनकी दावेदारी यहाँ पर समाप्त नहीं हो जाती है, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था, उस वक्त उसे समाजवादी पार्टी का साथ हासिल नहीं था। और आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से, पिछले 25-30 सालों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं रही है। तो ऐसे में अगर वहां पर पंकज पटेल हार भी गए थे तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इससे उनकी दावेदारी समाप्त नहीं होती है। इसके अलावा फूलपुर की सीट पर पटेल वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है, यहाँ पर पटेलों की बड़ी संख्या है, और अगर यहाँ पर कांग्रेस सही कैंडिडेट उतारती है और वहाँ पर सपा का समर्थन भी हासिल होता है तो इस सीट पर मजबूत दावेदारी बन जाती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। पंकज पटेल पहले महासचिव रहे हैं अपना दल कमेरावादी के, जिस वक्त उन्होंने चुनाव लड़ा था उस समय, लेकिन फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी कृष्णा पटेल से कुछ नाराजगी चल रही है और वो अपना ज़्यादातर समय कांग्रेस के साथ बिता रहे हैं, कांग्रेस के कार्यक्रमों में बिता रहे हैं। इस वजह से इस बात को और ज़्यादा बल मिल जाता है कि कांग्रेस उन्हें अपने टिकट पर चुनाव में उतार सकती है फूलपुर सीट से। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या समाजवादी पार्टी इस सीट को कांग्रेस को देने को सहमत हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहाँ पर पहले ही कह दिया है कि वो कांग्रेस को 2 सीट दे सकते हैं, और ये 2 सीट जहाँ तक उम्मीद है कि एक तो होगी गाजियाबाद और दूसरी हो सकती है या तो मीरापुर या फिर खैर विधानसभा सीट, इधर की ही सीट होगी, क्योंकि फूलपुर जो है सपा इसे अपना गढ़ मानती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानना है कि फूलपुर उनका गढ़ है और यहाँ पर उन्हें अपने ही प्रत्याशी को उतारना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।